लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शोले जैसे है तू कर्म का करे विनाश। ये राम की धरती है यहाँ पर पापों का होता नाश। ये आजाद वतन है भारत हमारा हम सब का यह बार। ये हर पल हर दम जान लुटाए इनका क्या कहना। ये कदम कदम पर घाव जो खाए उससे ना डरना। शोले जैसे हैं कुकर्म का करे विनाश। बंदर ताराना इसके लिए है जीना, इसके लिए है मरना। ये सबको देते हैं शिकस्त ये तो है इस वतन के आस्त। ये सबको देते हैं शिकस्त ये तो है इस वतन के आस्त। ये गद्दारों को मार भगाए इनका है क्या कहना। बंदर स्थल पर एक 47 राइफलें मिली है। आदिवासियों के बाजी कहां से आएंगे इसका जवाब देंगे आप? इस घटना के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। जब तक वो पकड़े नहीं जाते सरकार चुप नहीं बैठेगी। पहले पुलिस डिपार्टमेंट को जगाओ। डीजी भी बताएंगे। हम लोग सोए नहीं है। इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। देखिए हमने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया बल्कि इस केस के लिए एक स्पेशल टीम गठित की है। हम उनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। प्लीज काम पूरा हुआ मैं सब संभाल लूंगा। हमने जो काम सोचा है उसको पूरा करने के लिए एक ही वीर स्वामी काफी नहीं होगा। हमें इस काम के लिए 100 वीर स्वामी लगेंगे। ए, सोडा डालो। ए, सोडा खत्म हो गया है। ए, ड्राइवर आगे आने वाले ढाबे पे गाड़ी रोकना। ए, सोडे की बोतल बस में रखो। ठीक है भाई। अरे रामू सोडा की बोतल बस में रख दे। ये कौन है? उधर कौन छुप के बैठा हुआ है? क्या कर रहे हो वहाँ? मारने वाला हूँ। क्या मारने वाले हो? सोडा, सोडा मारने वाला हूँ। सोडा हम खुद ही पी लेंगे। ये दो पैग अंदर जाने तक तो ठीक है भाई, तीसरे पैग में कुछ अजीब लगता है। तभी किसी की जरूरत होती है मेरे भाई। हम देख लेंगे। भाई 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 रहने देना, टाइम पास करने के काम आएगा। ए चल तू सोडा डाल। हाँ ये, अरे सोडा ज्यादा क्यों डाल रहे हो? क्या मतलब? सोडा से ज्यादा शराब होने पर लीवर खराब हो जाता है भाई। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे बस से उतार दो। मैं उतर जाऊंगा तो डालेगा कौन? अच्छा नहीं ये थोड़ा चुप नहीं बैठ सकता क्या?
मुश्किल है भाई, आप दारू पिए बगैर रह सकते हो क्या? नहीं रह सकता। हाँ तो उसी तरह मैं भी बात किए बगैर नहीं रह सकता। अरे इसे भी दारू पिलाओ यार, मुंह बंद करके पड़ा रहेगा। ए, बस क्यों रोक रहे? बीच रास्ते में पत्थर पड़े हुए भाई। अरे हम लोग तो यहाँ बैठे पत्थर किसने रख दिए? भाई पुलिस की जीप आ रही है। ये सोडा डालने नहीं, हम लोगों को पकड़ने आया है। पत्थर तुम लोग ही नहीं, हम लोग भी रख सकते हैं। तुम्हें वो सामान किसने पहुंचाया? पता नहीं। तो तुम ऐसे नहीं बताओगे? मुझे नहीं पता। नहीं पता चल जाएगा पता। अब पता चला? पता है, सब बताता हूं। प्रभु। यस सर। इन लोगों की जानकारी के मुताबिक इनका बॉस वीरा स्वामी है सर। उन लोगों को जंगल में अस्त्र पहुंचाने वाला ज्वाला पेपर का एडिटर चित्तूर का सरदार है। तिरुपति में वाइन शॉप होटल्स को छोड़कर और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है उसकी। ऐसा तो नहीं लगता कि न्यूज़पेपर से कमाया हुआ पैसा है। इस केस में कदम बढ़ाने से पहले चित्तूर में सरदार से मिलना जरूरी है। चित्तूर में अपना आदमी कौन है? वीरभद्र सर जी। उसे खबर कर दो हम लोग आ रहे हैं। ए सरदार कहाँ है? क्या काम है? हमें जानकारी चाहिए, सरदार को बुलाओ। भाई बाहर गया है। सुबह सुबह कहाँ चले गया? प्रेस छोड़ के? प्रेस में बैठे रहेंगे तो न्यूज़ कौन कवर करेगा? वो पता नहीं। फोन करो। फोन बंद है। सच नहीं बताओगे तो तुम भी डेड हो जाओगे। मेरा भाई शेर है और शेर से पंगा मत लो। शेर कौन है ये बाद में पता चलेगा। देख लेंगे। सरदार कहाँ है? तो ऐसे नहीं बताओगे? ठीक है हम खुद ही देख लेते हैं। बहुत गलत कर रहे हो। बहुत महंगा पड़ेगा। क्या कहा? हमसे पंगा मत लो। ठीक नहीं कर रहा हूँ वो मैं देख लूंगा। ये सरदार कहाँ भाग गया? प्रभु सर हम आने वाले हैं, इसकी खबर किसको दी थी? ऐसा ही वीरभद्र को मालूम था सर। सरदार मेरी वजह से तुम बच गए हो, वो क्राइम ब्रांच वालों ने आके तुम्हारा मुंह तोड़ दिया। तुम होते तो तुम्हारा मुंह भी तोड़ देते। मुझे मेरा हिस्सा पहुंचा देना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, समझे? मुसीबत में तो तुम फंस चुके हो, तुम्हारा भेद खुल गया है। सरदार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सरदार कहाँ है। ओ जल्दी। सरदार हैदराबाद में ऐसा ही वीरभद्र कहते हैं, लेकिन उसे हैदराबाद में ढूंढेंगे कहाँ? बुलेट बादशाह के साथ उसी जान पहचान है, इतनी जानकारी हमारे लिए काफी होगी। ये केस पहले किसके पास था? इंस्पेक्टर करीम सर, उनकी हैदराबाद में बहुत अच्छी पहचान है। तो उसे इस केस से हटाया क्यों गया? सर एक रेड में करीम के हाथों माफिया लीडर सुल्तान बुलेट बादशाह बस निकला। करीम भी मुस्लिम है और उसने उससे भगा दिया, यह कहकर उसका डिमोशन कर दिया। क्या बकवास है, मुस्लिम होने पर कोई ऐसा कर सकता है क्या? करीम की कोई गलती नहीं है सर, लेकिन उस रेड में चार पुलिस वाले मारे गए थे इसलिए उसका डिमोशन कर दिया गया है सर। इस केस में करीम की पहचान हमारे बहुत काम आएगी, वो हमें चाहिए। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो बहुत टेढ़ा आदमी है। वो चाहे जैसा भी आदमी है लेकिन वो मिलेगा। एसीपी सिद्धार्थ आए। चेक खंड करीम, एक मुस्लिम से हाथ मिलाना पसंद करेंगे आप? ओके
इंफॉर्मेशन मिली है कि चित्तूर से सरदार हैदराबाद आया है। उसका नेटवर्क बाबू भाई तक फैला है। इस मामले में हमें तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेशन। पनिशमेंट स्टैंड अप। गुड बॉय। क्राइम डाउन। गुड बॉय। सीआईडी जंप। गुड बॉय। इसे कहते हैं कोऑपरेशन। ये तो हमारे डिपार्टमेंट का काम है। इसमें हिंदू होना या मुस्लिम होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है। अपने मतलब के वक्त धर्म की बात आ ही जाती है। आप जा सकते हैं, प्लीज। कम ऑन गाइस, गेट रेडी, टेक योर पोजीशन, कम ऑन। ये रियलिस्ट से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, हमें खुद मामले को सुलझाना होगा। चारों ओर अपने जासूस फैला दो, ऑनलाइन स्टैप करो, रेस्टोरेंट, क्लब्स, पब्स, डिस्कोस, हर जगह पर रेड डालो। इस ग्रुप के हर आदमी को पकड़ना होगा हमें। फोन आया था। हेलो मम्मी, फोन किया था क्या? हाँ किया था, मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई इसलिए फोन किया। मैं अभी आता हूँ। वही समझ में नहीं आ रहा है, रोज की तरह आज भी मैंने उन्हें न्यूज पढ़कर सुनाया था। बस तारीख और महीना बदलता है, न्यूज तो वही रहता है। रोज वही ब्लास्ट, वही मर्डर, किस लिए ये सारी टेंशन समझ में नहीं आता। इन चार सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ तो कहने की कोशिश कर रहे थे पर कह नहीं पाए। सिद्धू, उनकी तकलीफ देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे रहने वाले आदमी कैसे हो गए? सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर देख कर गया है, सब ठीक है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। सर गुड इवनिंग। सिद्धार्थ, तुमने ये क्या किया? हाँ मुझे पता है आप जवानों को ज्यादा जोश होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप एक एसआई को अरेस्ट कर लें। सर बात दरअसल ये है कि वो लोग चली तो आज का मुख्य समाचार होगा, 24 घंटे समाचार में दिखाते रहेंगे। ऐसा होने से पहले एसआई को मेरे पास लेकर आओ। ओके सर, ऐसे ही होगा। डीजीपी ने आपको आने को कहा। मुझे अच्छी तरह पता था वो मुझे जरूर बुलाएगा। एक कप कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। ऐसे घूर के क्या देख रही है, पुलिस में है तो क्या हुआ, आखिर औरत है। चल चल जल्दी मेरे लिए कॉफी लेके आ। कॉफी किस लिए? कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। कोल्ड ड्रिंक मुझे जमती नहीं है, चलते वक्त वाइन शॉप पे रोकना। हाँ चल। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, लाइफ है तो एंजॉय करने के लिए। अरे तुम्हारी तरह मैं 24 घंटे की ड्यूटी नहीं कर सकता। मैं नौकरी जो करता हूँ ना, माल कमाने के लिए। मुझे देखो, मैं एक मामूली एसआई हूँ। बंजारा हिल पे मैंने मस्त बंगला बनाया है और तुम तो मेरे से बड़े ऑफिसर हो, एचईपी, और तुम्हारे पास अपना घर भी नहीं है। सिंसियर होने के बावजूद तुम्हें कोई मेडल नहीं देने वाला समझे, ट्रांसफर ऑर्डर मिलेगा। मुझे कितनी देर अंदर रखा, 24 घंटे ना, और मुझे छोड़ने के लिए ऊपर से फोन भी आ गया तुम्हारे पास। पता है क्यों? मेरे पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसे कहते हैं पावर गेम। तुम्हारे जैसे लोग बीच में आएंगे तो ये देखो चुटकी में फसल दिए जाएंगे। न्याय अन्याय के चक्कर में तुम्हारे पिताजी अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, यही चक्कर लगा रहे हैं। ये देखकर भी तुम्हें कोई अक्ल नहीं आई। केस फाइल बना दो, एक्सीडेंट में मारा गया। आप
सबको नमस्ते। आप सब लोग यहाँ किसकी आवाज़ सुनने के लिए आए हैं? ये मुझे पता है, चार सालों में जो आवाज़ आप लोगों ने नहीं सुनी उन्हें श्री केवी जी का, आज वो यहाँ पधारे हैं, ये हमारी किस्मत है। दुनिया भर के सारे गायक एक तरफ और अपने श्री केवी जी दूसरी तरफ, मैं उन्हें स्टेज पर आने के लिए तहे दिल से निवेदन करती हूँ। गिव हिम अ वार्म वेलकम। सब लोगों को नमस्कार। कुमारी अनुष्का ने मेरे बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। मेरी नजरों में कौन किस्मत वाला है, जिसने ट्रेन बनाया, जिसने प्लेन बनाया, जिसने टेलीफोन बनाया। आश्चर्य की बात यह है, इनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, सभी विदेशी हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं और हम भारतीय सिर्फ आबादी बढ़ा रहे हैं। क्या यही है हम भारतीयों की खासियत? नहीं, बच्चे बूढ़े जो सुनकर खुश होते हैं वो संगीत है, हमारा भारतीय संगीत। बारिश में जाते हैं तो हम लोग भीग जाते हैं, संगीत रूपी बारिश में डूबेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। अब तक मैंने बहुत गा लिया, ये बात सोचकर इस संगीत की दुनिया को छोड़कर मैं हिमालय चला गया था। फिर वापस लौटकर क्यों आया पता है? अपने देश के गौरव को विदेशी लोग अपना बनाने पर तुले हुए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भारत के हैं, लेकिन विदेशियों ने अमेरिका में उनके मंदिर बनाकर खुद उनके भक्त बन गए। ऐसा लगने लगा है कि वो उनके ही भगवान हैं। अमेरिका कहीं ये ना कहे कि ये शास्त्रीय संगीत उनका है। इस डर से वापस आ गए। तालियां भी दो तरह की होती है, एक आप लोग अपनी फीलिंग से बजाते हैं, दूसरा मुझे फील ना हो इसलिए बजाते हैं। सुनके ऐसा लगा आप लोगों ने तालियां दिल से बजाई है, मैं भी दिल से ही गाऊंगा। Shut up!
होगा जाने जरा मानो कहना है मुश्किल। हर दिन मैं सिर्फ तुझे देखूं, तू ही मेरी मंजिल। नींद में हो, ख्वाब में हो, सांसों में हो, मेरी हर सोच में, हर बात में हो। पल पल याद वो आए और कब तक ये सहूं, मुड़ कर देखे अगर वो उसे ये कैसे कहूं। You are my love, you are my love, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार। आस यही है बस मानो, प्रिया तुम मेरी बनो, पास आके दूर न जाओ, जिया तुम मेरी तो हो। देखो सामने से मुझे, मैं घबराऊं। जब तुम्हें देखो सामने से आते, मैं शर्माऊं। चोरी चोरी चुपके से तुम ना देखो, मेरी आंखें देखें तुम्हें, तुम ना छुपो। कब तक और रुकना है राह में तेरे सनम, आऊंगा पीछे तेरे सजनी, रुकेंगे ना ये कदम। This is my love, this is my love, वही मेरा प्यार, वही मेरा प्यार। आस यही है बस मानो, प्रिया तुम मेरी बनो, पास आके दूर न जाओ, जिया तुम मेरी तो हो। इसे पहली नजर का पहला प्यार कहते हैं लो, जिसे जाने जिगर या महबूबा कहते हैं लो। This is my love, this is my love, वही मेरा प्यार, वही मेरा प्यार। ऐसा और कितने दिन चलेगा, नजर मिली है क्या? लाइन मारो, पिकअप करो, ड्रॉप करो, लेकिन आगे तो बढ़ो। हाँ यार, जैसे लोग राशन की दुकान पे खड़े रहते हैं, वैसे उस लड़के के लिए खड़े रहते हैं। जल्दी साहिल अभी बोल दे। बोलूंगा नहीं, बुलवाऊंगा। अरे सिद्धू। हाय सिद्धू। गुड मॉर्निंग सिद्धू। गुड मॉर्निंग। ये क्या अनु, क्या एक दूसरे को देखकर पूरी जिंदगी बिता दोगी? वो तो कहने वाला है नहीं, कम से कम तुम तो आई लव यू कहो। मैं कह सकती हूँ, मैं पहले बोलूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, पहले वो बोलेगा तो अच्छा होगा, जीत मेरी होगी। क्यों निशा, चांगो श्रीकांत के साथ कॉफी पी रही थी, रघु से बोर हो गई क्या? अरे वो उसे बोर हो गया है, कितने दिन पार्टी क्लब और डिस्को में पैसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन आई लव यू नहीं बोल पा रहा है। इन लोगों की बात छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा? मुझसे भी एक लड़की प्यार करती है। कौन है वो? मैं सीधे नहीं बताऊंगा, एक क्लू देता हूँ। बता दो क्या? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, उस लड़की की बाई कलाई पर एक खूबसूरत तिल है। अनु अरे सुनो सुनो सुनो, दोपहर को बिना बोले आ जाना। हेलो। ये क्या, मेरी सहेली को समय से क्यों किया? ऐसा नहीं करता तो तुम फोन करती। ये बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये बात तुम्हें फोन पर बताऊं या अलग से मिलकर बताऊं? कब बात, कहाँ मिलूं? कल सुबह क्लास में। सच में आ गई? पक्का। ओके बाय। राजेश, सिद्धू नहीं आया क्या? नहीं आया, फोन लगा रहा हूँ तो स्विच ऑफ बता रहा है। कुछ मैसेज देना है क्या? बाय। ओके बाय।
सिद्धार्थ फ्रॉम वाइजा के वांटेड ऑन द स्टेज। सिद्धार्थ, यहाँ कोई आपको इंतजार कर रहा है। हाय हाय, मैं क्या? तुम बोलो। इफ यू डोंट माइंड, चलते हुए बात करें। जरूर। इन चार साल में तुम कहाँ थे? ट्रेनिंग पर गया हुआ था। अब कहाँ रहते हो? हैदराबाद में रहता हूँ। चार साल बाद मिले हो, मैं कैसे भी नहीं पूछोगे क्या? बाल छोटे करवा दिए तुमने, लेकिन बातें करना कम नहीं किया। लिपस्टिक ज्यादा लगाने लगे हो। अब बस भी करो, तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदले हो। क्या मैं बिल्कुल नहीं बदला? तब खेलकूद में बहुत दिखते थे, अब गाना सुनते हुए दिखते हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोंट माइंड, मैं बताना भूल गई। मेरी भाई की म्यूजिक कंपनी है, केवीजी के सारे गाने वही रिलीज करते हैं। ऐसी बात है? मैं केवी का बहुत बड़ा फैन हूँ। सच में? चलो उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। केवी साहब, आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। एंड यू आर द बेस्ट। थैंक्स सर। ये सिद्धार्थ है, मेरा क्लोज फ्रेंड और आपका फैन। नमस्कार सर। तुम्हारे दोस्त तो मेरे भी दोस्त हुए। मेरा कौन सा गाना आपको पसंद है? पांव गीले किए बिना समुद्र पार कर सकते हैं, पर आंखों को भीगे हुए बिना जिंदगी नहीं गुजार सकते। अरे अरे, इस कविता को तो मैंने बचपन में गाने के रूप में गाया था, तुम्हें कैसे पता? तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। आपने बचपन में मंदिर में जो गाया था उसे पिताजी ने रिकॉर्ड कर लिया था, वो उसे रोज सुनते हैं और उसे सुनकर आपका प्रशंसक बन गया हूँ। केवी साहब, देखा आपने, उस जमाने से लेकर इस जमाने तक लोग आपको पसंद करते हैं। मैं बचपन का वो गाना सुनना चाहता हूँ, मुझे उसका कैसेट मिलेगा? कल सिद्धू से वो कैसेट ले आने की जिम्मेदारी मेरी है। सच में? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। जरूर सर। नमस्ते, चलते हैं। ओके सिद्धू। ओके बाय। नर्सरी है ना, इसलिए पोएट्री गा रहा हूँ। आपको क्या चाहिए? नर्सरी के मालिक से मिला। ऑनर तो सिद्धार्थ। उनसे आपको क्या काम है? देखिए, एक जवान लड़की एक जवान लड़के से मिलने क्यों आती आपको नहीं मालूम है क्या? नौकर हो तो नौकर की तरह रहा करो, बीच में घुसने की कोशिश मत करो, जाकर मालिक को बुला कर लाओ। अच्छा ठीक है। बेटी कस्तूरी। क्या हुआ मामा जी? इन्हें इस नर्सरी के मालिक से मिलना है। अच्छा? सिद्धार्थ से। आपको मालिक से क्या काम? पर्सनल काम है, सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? क्या के सारे नौकर अपने को मालिक क्यों समझते हैं? हमने तो सिर्फ जानकारी के लिए पूछा था। नहीं बताऊंगी तो उन्हें बुलाएंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आप मालिक को कितने दिनों से जानती है? बचपन से जानती हूँ। जल्दी उन्हें बता दो। चलिए बताती हूँ। नौकर को सर पे चढ़ा कर रखा। यही है नर्सरी के मालिक। क्या कह रही हो भाभी? इनको मालिक से मिलना था। अनु मेरी दोस्त है। अनु, ये मेरी भाभी है, ये मेरे मामा जी नर्सरी के मालिक, ये मेरी माँ है और ये मेरे डैडी। सॉरी मामा जी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी किस लिए? सब कुछ तो कह दिया। ऐसी वैसी बात नहीं करती है, ऐसे घुमा के बात करती है कि सुनो तो चक्कर आ जाए। थोड़ी देर और रहेगी तो तूफान आ जाएगा, चलता हूँ। अरे सिद्धार्थ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम होगी। अच्छा बंजी, मैं चलती हूँ। ओके। बहन, जरा इस लड़की की रफ्तार तो देखो, इस नर्सरी की नहीं पूरे घर के माल के रोने वाली है। लो केवी जी का दिल आ गया, लगता है संगीत का रियाज कर रहे हैं। चलो आई। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। सर, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? मैं अकेला कहाँ हूँ, बताता हूँ। आओ मेरे साथ तो
त्यागा अन्नमया मुत्तु स्वामी जैसे महान लोग हमेशा रहते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर हिंदुस्तानियों के लिए गर्व है। ये संगीत के महान गुरु, पूरी दुनिया में संगीत प्रचार करने वाले कई लोग हैं। ये मोजार्ट हैं, 3 साल की उम्र में ही पियानो बजाना शुरू कर दिया था, 5 साल की उम्र में कंपोज करते थे। इन्होंने इतने बेहतरीन कंपोजिशन किए थे कि मशहूर कंपोजर्स भी इन्हें भगवान की तरह मानते हैं। एक बार जो स्वर बंद करते थे उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इनका नाम आप जानते हैं, सिंफनी बजाने वाले बीथोवेन। ये बहरे थे पर दुनिया के लोग सुना करते थे इनके संगीत को। ये जब गुजर गए तो पूरा यूरोप रोया था। ये संगीत सारी दुनिया के लिए एक शान की बात है। ऐसे महान लोग आजकल क्यों नहीं मिलते पता है? जन्म से लेकर मरने तक के सफर में इंसान अक्सर कई तरह की गलतियां कर बैठता है, इससे मामला और उलझ जाता है। साथ ही इंसान से प्रेम करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है, वो ये समझ ही नहीं पाते। प्रेम जब इतना महत्वपूर्ण है तो आपने प्रेम क्यों नहीं किया? हाँ, गुड क्वेश्चन। बैठिए, मैं जूस लेकर आता। नहीं सर, आप तकलीफ। अरे प्लीज, पहली बार आए हैं, अतिथि भगवान के समान होते हैं। आप बैठिए। प्यार के बारे में पूछा ना आपने, बताता हूँ। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो उसे बाइक पर बिठाना पड़ता है। जब वो लड़की रास्ते से गुजरती है तो लोग उसके बालों को देखकर उससे पूछते हैं कि वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया करती है। थैंक्स कहकर वो कोई महंगा शैम्पू का नाम बता देगी, हमें वो भी खरीद कर देना होगा। बालों के गजरे से लेकर गाड़ी के पेट्रोल तक, फिल्म के टिकट तक, पॉपकॉर्न, नारियल पानी, आइसक्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, टॉप टू बॉटम सारे खर्चे हम ही करते। इतना करने के बाद वन फाइन मॉर्निंग घर आकर अपनी शादी का कार्ड देकर कहती है, अगले महीने मेरी शादी है, मैं उनके साथ अमेरिका जा रही हूँ। ये कहकर गुड बाई कहेगी तो मेरी क्या हालत होगी? अन्य मैं के गाने साइड में रखकर देवदास के गाने गाने पड़ते। इसीलिए मैंने किसी को आई लव यू नहीं कहा और ना ही किसी से आई लव यू सुना। 1 मिनट। जरूर सर। पिताजी ने निशानी के तौर पर आपको यह भेजा है। सिद्धार्थ, बहुत कीमती तोहफा दिया है तुमने, यह एहसान मैं नहीं भूलूंगा। एहसान किस बात का सर? कभी कभी आपका संगीत सुनने को मिल जाए इतना काफी है सर। जरूर, और इसलिए मैं भी तुम्हें एक नायाब तोहफा देना चाहता हूँ अपनी खुशी के लिए। कौन सा तोहफा सर? बताता हूँ, इस केवी की दोस्ती। यह है एसीपी सिद्धार्थ, चित्तूर बस रॉबरी केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला क्राइम ब्रांच ऑफिसर। कहीं भी देखे इसके बारे में कुछ भी पता चले मुझे फोन करके बताना। जी रोमांटिक मूड के लिए कुछ भी हो, तुम्हारा तो सुपर। नहीं, इसलिए नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। तुम इस ढाबे के मालिक हो, सुपरवाइजर हो, मैं तो क्या वॉचमैन हूँ। कोई बात नहीं, रिलैक्स। अनु, एक मिनट। चलो सिद्धार्थ। अनु परेशान मत करो, तुमने केवी के घर आने के लिए कहा, मैं आ गया। अब मुझे यहाँ एक जरूरी काम है, तुम रिक्शा पकड़ो और चले जाओ। एक बात। नो। मेरी बात तो सुनो। नो। मुझे जाओ। Welcome, welcome sir. I am Rajiv, manager of this resort. May I help you sir? No, thank you. Sorry sir. It's my request. आप first time इस जगह को देखने हैं। It's my responsibility कि मैं आपको attend करूं। नहीं, मैं अपने आप देख लूँगा। Okay sir. सिद्धू, मुझे छोटा सा doubt है। क्या doubt है? मेरा doubt clear कर दो, मैं चली जाऊँगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आप कभी
क्या है? मुझे सारी रात नींद नहीं आती, बता सकते हो क्यों? तुम्हारे घर में मच्छर ज्यादा होंगे, कछुआ चला है। मेरे दिल बहुत जोरों से धड़कता है। आई बीपी होगा या दिल की बीमारी होगी। खाना कब खाया करो। डोंट माइंड, मुझे नहीं लगता तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तुम किसी और से मिलने आए हो? सर चश्मा लोकल नहीं, इम्पोर्टेड है। दो लोगे तो एक फ्री। हेलो मैडम, हड्डी बनते हो, जाओ यहाँ से। सुनो तुम ये पहन लो, अच्छा लगेगा। मुझे ये चश्मा नहीं चाहिए, मैं ये चश्मा लेने नहीं आई हूँ। चार साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब तुम होगी इस और लड़की का पीछा कर रहे हो। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्या तुम किसी और को चाहते हो? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? बताओ ना क्या बात है, बताओ ना सिद्धू क्या बात है? हेलो सर, आप किसी को ढूंढ रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो? बताओ ना सिद्धू, बताओ ना। ओके सर, मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। क्या उसने हमें देखा क्या? तुम उसे डरते हो क्या? बताओ ना सिद्धू क्या बात है? सिद्धू मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बात है? हेलो भाई, मैं नर्सिंग बोल रहा हूँ। टेंशन क्यों ले रही हो? वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है? तुम उसे छुप क्यों रहे हो? कहीं तुम्हारा धंधा स्मगलिंग तो नहीं है? हे, हेलो, मैं एसीपी सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। रघु को फोन दो जल्दी। रघु, मैं दुलारी ढाबे पे हूँ, जल्दी से टीम लेकर वहाँ आ जाओ। जल्दी, तुम हंस क्यों रही हो? एसीपी और तुम? हाँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ, क्राइम ब्रांच का। ओके, तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो तो मैं झांसी की रानी लक्ष्मी बाई हूँ। वो बिन लादेन का भाई जान है क्या? क्यों पीछा कर रहा है? वो बंद नहीं रख सकती, मैं उससे पूछ लेती हूँ। अरे अनु। हाँ भाई। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? सिद्धार्थ सुनो तो। ये तो सचमुच कैसी भी, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रही। आ जा रे
भी एक आदमी को नहीं बचा पाए। ये केस कितना इंपॉर्टेंट है पता है ना? ये इसी की एक कड़ी थी सर। बात ये है कि मैं कोई सफाई नहीं सुना चाहता। उस सेंटर पर उस वक्त कौन था? मैं था सर। पाइप पर जाने वाले आदमी को देखा? नहीं सर, उस वक्त मैं चालान काट रहा था। क्या काट रहे थे मुझे पता है। ए, पेट पर तुम्हारी ड्यूटी थी? मैं था सर। क्या कर रहे थे? एक मिनट के लिए फोन करने गया। एक मिनट की कीमत तुम्हें पता है? एक मिनट में उसका काम हो गया। एक मिनट में जिसने मारा वो भाग गया। एक मिनट में क्या होता है पता है? तुम सस्पेंड हो जाओगे। सर, आखिरी दो घंटे में इसकी आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स पता करो, समझे? हमारा परिवार बहुत बड़ा है। यही है हमारा बड़ा परिवार। मेरे पिताजी, मेरी मां, मैं आईपीएस ऑफिसर क्यों बना इन्हीं लोगों से पूछो, लेकिन ये बता नहीं पाएंगे। इनकी उम्र 90 साल की नहीं, 55 साल की है। सिर्फ 55 साल के हैं ये। इनकी गर्दन तोड़ दी गई, तभी से ये ऐसे हैं। मामा जी हैं, इन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाभी, ये मेरी भाभी, इनकी उम्र 28 साल की है। इस उम्र में ये विधवा कैसे हो गई इन्हीं से पूछो, ये बताएंगी। मेरा भाई मारा गया जानते हो कैसे? शराब पीकर या हार्ट अटैक से नहीं मरा, उसे मार डाला गया। गुंडों ने नहीं, धर्म के लिए लड़ने वालों ने मारा। दंगा करने वाले न हिंदू होते हैं न मुसलमान, वो सिर्फ शैतान होते हैं, समझे तुम? मार्केट में जिस आदमी ने ब्लास्ट किया तुम उसे पहचान सकते हो, है कि नहीं? उसके हाथ पर स्वास्तिक का निशान है कि नहीं? ये बात आप कोर्ट में भी बोलेंगे, है कि नहीं? बोलूंगा।
ओके, हवलदार को अपना टेलीफोन नंबर और पता लिखवा दीजिए। ठीक है, मैं लिखवा लेता हूँ सर, आप आइए। थैंक यू। तेरा बाप का कहीं पता नहीं चला तो रोज जाके मेरा सर खाएगा? तेरा बाप का बहुत बड़ा वीआईपी है क्या? सारे पुलिस वालों को उनके पीछे लगा दूं? सुन, छोड़ दीजिए, जिंदा मिलेगा तो घर भेज देंगे, लाश मिली तो उसका पंजामा करके तुम्हें सौंप देंगे, और रोज जाके मेरा दिमाग मत खाना। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो काम पुलिस को करना चाहिए तेरे पति ने किया है। क्यों रे, ऐसा क्यों घूरता है? तुझे भी तेरे बाप की तरह मार के फेंक देंगे। हमारे खिलाफ जो भी गवाही देगा उसके साथ ऐसा ही होगा, समझा? अन्याय किसी के साथ भी हो सकता है, अगर हर आदमी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने पर उतर आए तो इस दुनिया का क्या होगा? हर बात के अच्छे पहलू को देखना चाहिए। मेरे मन में उस दिन बदला लेने का विचार नहीं आया, इसलिए आज आईपीएस ऑफिसर बना। मुझे आईएएस की सीट भी मिली। मैं चाहता तो कलेक्टर बनकर आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन इसके बाद भी वो सब कुछ छोड़कर आईपीएस क्यों बना पता है? बदला लेने के लिए नहीं, मैंने तो अपने घर वालों के साथ अन्याय करने वालों की शक्ल भी नहीं देखी, और आज मैं हर अपराधी में उनकी शक्ल देखता हूँ और उन्हें कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा करना चाहता हूँ। और ये सब मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए या तुम्हारी मदद पाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे देश की प्रॉब्लम है। ये मेरा देश नहीं है क्या? नो, तुम्हारी बातों से लगता तो नहीं है, और अगर ऐसा होता तो तुम किसी भी हालत में अपने डिमोशन के लिए डिपार्टमेंट को दोषी नहीं ठहराते। इंसानों से बात करने से अच्छा जानवरों से बात करना बेहतर होगा। मैं इस देश को अपना घर समझता हूँ। इस देश को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे किसी करीम की जरूरत नहीं है। मिस्टर करीम, पुलिस वाले हमेशा दुश्मनों का इंतजार करते हैं, प्रमोशन का नहीं। इस केस को मैं ही हल करूंगा, और कैसे करूंगा देखते रहना। यू मे गो नाउ। हेलो, कौन? सर, मैं यादव बोल रहा हूँ। हम लोगों ने जो नरसिंह को मारा है उसका मोबाइल पुलिस के हाथ लग गया है, आगे हमको क्या करना है? देखो भाई, वो सब बात फिलहाल छोड़ दो। आज रात कंसाइनमेंट आने वाली है शिवरात्रि के जागरण में। सर, उसका मैसेज सही मान कर इतनी ठंडी में बैठे हैं। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब इंतजार किए बगैर यहाँ से चले गया सर। शिवरात्रि में रात भर जागते क्यों हैं? पुण्य कमाने के लिए सर। आज की रात यहाँ रहोगे तो प्रमोशन होगा, तो फिर इंतजार करेंगे सर। ए सौरभ, प्रेमियों की तरह एक्टिंग करना बस करो, ड्यूटी करो। ड्यूटी पर लड़की से आते तो काम कैसे करो? मैंने ठीक कहा ना? इडियट। ए रवि, सर बाइक से इधर कोई आ रहा है सर। हमें सूंघने के लिए आया होगा, तुम अपना काम करो, समझे? सर, वो जा रहा है सर, जा रहा है सर। आराम से बात करो। ओके सर। सर, यही फुला रहा है। पता है।
वॉकी टॉकी है तो चिल्ला क्यों रहे हो? सॉरी। सर सरदार है। ऐसा करो लाउड स्पीकर पे चिल्लाओ। सॉरी। नमस्ते भाई। बैठिए। सर सरदार को गोली मारूं क्या? नहीं, वो मुझे जिंदा चाहिए। ओके सर। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। देखो ट्रक आ चुका है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमको कोई नहीं बचा पाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पुलिस की जबरदस्त चेकिंग चल रही है, हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। भाई आपके प्लान का तो जवाब नहीं, इतने सारे माल को सबकी नजरों से बचा के यहाँ तक लेकर आया हूँ। इतना माल देख के वीरा स्वामी चकरा के गिर जाएगा। मैंने तुम्हें घर पे मिलने के लिए बुलाया था, आए क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? एसीपी सिद्धार्थ क्राइम ब्रांच। चलो। पूछने पर मदद करने वाला दोस्त होता है, बिना पूछे काम करने वाला पुलिस ऑफिसर। सब पता है, अचानक एक दिन अंडरग्राउंड होकर
एक औरत के साथ छुपकर जिंदगी गुजारने लगा। हार से घबराकर हिटलर ने खुदकुशी कर ली, जिसे नींद से जगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो नेपोलियन भी एक दिन हार का सामना करता है, ये इतिहास में लिखा है। मेरे पास दुनिया को मिटाने की ताकत है, ये कहकर दुनिया को डराने वाला सद्दाम हुसैन कैदी बनकर रोज मर रहा है। मैं उन लोगों से बड़ा नहीं हूं, उन लोगों से ज्यादा अक्लमंद भी नहीं हूं, लेकिन मेरी एक स्टाइल है, मैं उन सबसे ज्यादा होशियार रहता हूं। मेरा नाम केवी है, ये दुनिया वालों को पता है, पर कादरवली भी हूं ये किसी को नहीं पता। यही मेरा स्टाइल है, मैं मुंह खोलूंगा तो संगीत सुनाऊंगा, तलवार उठाऊंगा तो खून बहाऊंगा। मर गया तो क्या हुआ, मेरा गुस्सा नहीं मरा, मेरा गुस्सा नहीं मरा। ओह माय गॉड, बॉम्ब, ग्रेनेड, जिलेटिन स्टिक्स, टाइमर बॉम्ब, बुलेट्स, डबल बैरल गन्स, पंप एक्शन गन्स, रिवॉल्वर, पिस्टल, मशीन गन्स, AK-47, ये क्या इतना सारा अस्त्र? जंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे? अपने दुश्मन बहुत दिमाग वाले लोग हैं सर, लोगों को मारने के लिए आदमियों से ज्यादा अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉर्डर में लड़ना छोड़कर यहाँ ला और ऑर्डर को भंग कर रहे हैं। आप कोई मिले तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे गोली मार दो। यस सर। एनीवे, वेरी गुड वर्क। थैंक यू सर। सिद्धार्थ कैसा है? फाइन सर। सर आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ खेलता हूँ। तो आप बहुत अच्छे बैट्समैन रहे होंगे, कैसे पता? वो मारने वाला स्पिनर होगा ना, तुम्हें कैसे पता? तभी तो उसने लेग ब्रेक किया है। मजाक करता है। इंशाल्लाह आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। अच्छा सर, तो मैं चलता हूं। ये हिंदू का हाथ है, चलेगा ना? कम ऑन सर। करीम तुम ढाबे के पास चले जाओ। हाय। ये क्या, हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया? करीम, अनु मेरी क्लासमेट है। अनु, करीम। मैं इनके होने वाली हाउसवाइफ हूँ। वो थोड़ा ज्यादा बोलती है, टेंशन मत लेना, तुम ढाबे पर जाओ, देखो क्या हो रहा है वहाँ। ओके सर, बाय। अच्छा है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है? शर्ट कैसी है? शर्ट तो अच्छी है, पैंट का है? छी, तुम भी ना पुराने ख्यालात के हो। ये हॉस्पिटल बहुत डल लग रहा है, इसलिए इसे ब्राइट करने के लिए मैंने ये पहना है। This is for you. Thank you. पैर कैसा है? अरे, ऐसे ठोक क्या रही हो? दरवाजा समझाए क्या? दर्द हो रहा है क्या? ऐसा दवा दूंगी कि दर्द का पता नहीं चलेगा। दवा कैसे दोगे? चुम्मा 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 दे देना प्रियतम, चुम्मा 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 अरे हमने कब कहा ना, नरे से तो ना दिखाऊं क्या सुनना, ऐसे मत छेड़ना हो जाए तब पसंदना, अरे होना है जो हो जाने दे मेरी जानशी, इसके नशे में खोई मेरी जिंदगी, अरे होना है जो दूंगी होने दे सजो जी,
चुम्मा 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 कुछ नहीं रे बाबा आदमी हूँ सीधा साधा आगे की क्या सुनना बस देते जाना चुम्मा लग के गले हले हले देना है अब चुम्मा लग के गले हले हले देना है अब चुम्मा नतीजा ऐसा होगा तुम न तुलना रे मेरा होश उड़ गया तेरी चुम्मा से चुम्मा 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 दे दे ना प्रिय तम्मा चुम्मा 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 पर हमने कब कहा चली जाती है वो दिल पे देखो समझ ना आए चक्कर अरे समझ ना आए चक्कर जाने जाना ये पता दिल से मेरे यूं ना खेलो खाना भरो टक्कर अरे आना भरो टक्कर तू मन चली गली गली ऐसे ना फेंक चुम्मा रूप मेरे रंग मेरे है तो रे अम्मा नरे ऐसे तो ना दिखाऊं क्या सुनना अरे होना है जो हो जाने दे मेरी जानशी इसके नशे में खोई मेरी जिंदगी अरे होना है जो दूंगी होने चुम्मा 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 दे दे ना प्रिय तम्मा चुम्मा 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 हमने कब कहा ना नरे ऐसे तो ना दिखाऊं क्या सुनना ऐसे मत छेड़ना मुझे तब अरे होना है जो हो जाने दे मेरी जानशी इसके नशे में खोई मेरी जिंदगी अरे होना है जो दूंगी होने देखते जाओ जी इसके चुम्मा 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 ए क्या कर रहे हो मैं तुम्हारे अंकल को दवा दे रही थी लेकिन मुझे जब बुखार आया था तो मुझे ऐसी दवा किसी ने नहीं दी तेजा माँ आ रही है क्या हाँ आ रही है अरे बाप रे मैं चलती हूँ सिद्धू ए माँ से निकल जाओ ना उन्होंने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा मैं चलती हूँ सॉरी बाय जल्दी आओ नहीं रह सकता अरे तुम कब आई बेटी अभी आई हूँ आंटी वहाँ क्यों खड़ी हो यहाँ आओ मैं यहीं पर ठीक हूँ कोई बात नहीं यहाँ आओ नहीं मुझे शर्म आ रही है आंटी क्यों कहना शर्मा रही हो अरे हम उस दिन मिले थे तुम वही लड़की हो ना शर्माओ मत बाहर आ जाओ अभी शर्मा रही है आप लोगों के आने से पहले चाचू को किस कर रही थी कई बार मैंने पेपर में आपके बारे में पढ़ा है लेकिन पहली बार आज मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ मैं भी पहली बार देख रहा हूँ बुलेट निकाल लो फिर ये क्या है ये तो खाली लोहा है बुलेट की सप्लाई बंद हुए 6 महीने हो गए हैं अब इसका मैं क्या करूँ अब इसका क्या करोगे बोलो एक एरिया इधर देखभाल करने के लिए रखा गया था उसका क्या फायदा हा? एक हथियार से भरा पूरा ट्रक इनके कारण पुलिस के हाथों लग गई सही है ना मतलब बड़बड़ मत करो चुप नहीं रह सकते क्या यही तो मेरी कमजोरी है मैं चुप नहीं रह पाता स्वामी तुम बहुत गुस्से में हो
तुम्हारा ये गुस्सा कम करने के लिए मैं गाना गाऊंगा, उससे तुम्हारा गुस्सा कम होगा। कादर जी, आप नहीं गाओगे तो मुझे गाना होगा? ऐसे बेवकूफ लोग कहां से मिल जाते हैं? तुम भी चुप नहीं रहोगे तो यही हाल होगा। मेरा सोने का तैरना नहीं आता। पता है अपने कंटेनर के बारे में सिर्फ उसी को पता है, ये पता नहीं। ए बादशाह, उसे उठा। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। काम का होगा तो सांप को भी अपने जेब में रखूंगा। अच्छा, क्यों बहुत टेंशन में लगते हो? पहली बार आपसे मिला और ऐसा लगा जैसे मैं मौत से मिल चुका हूँ। देखो विला स्वामी, इनसे उलझोगे तो यही हाल होगा, ज्यादा बड़बड़ करोगे तो इसी तरह धक्के मार के समुद्र में गिरा दिए जाओगे, वो भी रामेश्वरम में। सही है, गलती हो गई। ये क्यों कह रहे हो? तुम्हें भी समुद्र में गिराऊंगा। नहीं, माफ कर दो भाई साहब। अच्छा सर, अगर अपने अस्त्र वापस चाहते हो तो एसीपी का काम तमाम करो। घबराओ नहीं सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे दोस्त जैसा हूं। कोई पुलिस वाला हमसे टकराने से पहले हजार बार सोचता है। तुमने बहुत हिम्मत करके हमारे लोगों को पकड़ने की कोशिश की। तुम्हारा नसीब अच्छा है इसलिए आज भी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें बहुत तकलीफें होती है। हमसे दुश्मनी लोगे तो शमशान पहुंच जाओ। ठीक ठीक ऐसे हाँ, लगभग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा छोटा करो, छोटा करो थोड़ा। ओके सर। हाँ करीब, यही यही है वो आदमी, जल्दी से इसका प्रिंट आउट निकालो। ओके सर। ये फोटो हमारे सारे पुलिस थानों पर भेज दो, फोटो वाला आदमी कहीं भी दिखे तो छोड़ना नहीं। पुराना रिकॉर्ड चेक करो, ये कहीं भी मिल सकता है। सर आपकी मेमोरी की दाद देनी होगी। मेमोरी? चार सालों से पीछे पड़ी हूँ मैं, इनकी मेमोरी में नहीं हूँ। करीब तुम जाओ यार। सर उस दिन जो ढाबे पे हुआ था उसे बैठ कर याद करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। क्लू? बाय सर। मैं कितना भी क्लू देती हूँ लेकिन तुम मेरा केस सॉल्व नहीं करते, आखिर मुझको समझ क्या है? भागते हुए सरदार को पकड़ा था, वो मुझसे छूटने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी ने मुझे पीछे से खींच कर मारा था। तुम समझते क्यों नहीं? तब सरदार का जेब मेरे हाथ में आ गया था। नहीं कर सकती हूँ। कौन? अंदर का? चार सालों से मैं तो बाहर का। उससे शादी नहीं करोगे? अब बताओ तुम उससे शादी करोगे या नहीं? हाँ हाँ करोगे शादी? कैची देना जरा। अरे भाभी अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पंडित को बुलाना होगा, मुहूर्त निकालना होगा, कार्ड छपवाना पड़ेगा। हाँ इतने जल्दबाजी में क्या है सिद्धू? यहीं पे कहीं मैंने उसे पकड़ा था। यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पे अनु यहाँ बैठना, और उस सरदार का ऐसे हाथ पकड़ कर। अरे मैंने उसका जोर से हाथ पकड़ा था,
फिर क्या किया? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? ऐसे पकड़ा था और ऐसे खींचा। और फिर उसको ऐसे घुमाया। इतने लूज क्यों पकड़ रहे हो? इसके बाद और कस लूँ ना? कस लिया पीछे से। फिर हम दोनों में खींचतानी होने लगी। और उसके बाद? इसके बाद मैंने उसे नीचे गिरा दिया ऐसे और उसे दबोच लिया। अब वो मेरे कब्जे में था। और कस के पकड़ो ना मुझे। इतने में पीछे से किसी ने पकड़कर मुझे खींचा। वो मुझे पीछे खींच रहा था और मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। खिंचाने में उसका जीप पर मेरे हाथों में आ गया। हाँ। ए, क्या हुआ? बोलो तो। ये क्या है? ये है चित्तूर के सरदार की कुंडली। यहाँ कुंडली बनाने वाले का नाम भी है। हम भी उनके पास जाकर अपने भविष्य जान ले क्या? मिर्ची मलैया रामेश्वरम। भाभी मैं बाहर जा रहा हूँ। सिद्धू कॉफी पीकर जाओ। भाभी मुझे देर हो रही है। नाश्ता तो किया नहीं, कम से कम कॉफी तो पीकर जाओ। अरे भाई कॉफी के लिए कुछ भी कुर्बान कर दो लेकिन कॉफी छोड़ कर मत जाओ। भाभी 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 ये अनुका फोन है, बात कर लो ना। बात कीजिए ना भाभी प्लीज, बात कीजिए ना प्लीज। कहते ना करते हैं। हेलो दीदी मैं अनु बोल रही हूँ। सिद्धू है क्या? सिद्धू घर पर नहीं है लेकिन ये फोन सिद्धू का ही है ना? हाँ घर पर छोड़ कर गया है। तुम भी झूठ बोल रही हो मुझे पता है। दीदी फोन जरा मामा जी को देना। मामा जी फोन बात कीजिए ना, लीजिए। हेलो सिद्धू घर में नहीं है। जल्दी उठो। टिफिन भी छोड़ कर गया है। अरे काम पर ही गया है वो। अब वो एक जगह पर बैठ के काम तो करता नहीं है तो टिफिन कब खाएगा? नहीं चाहिए। टिफिन का खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए इसलिए वो खाना मैं खा रहा हूँ। ऐसा है क्या? तो एक काम कीजिए आप फोन तेजा को दे दीजिए। हाँ हाँ ये लो बात करो। हेलो आंटी मैं अभी सच बताता हूँ। देता हूँ। चाहिए तो मैं 10 रुपए की कसम खा कर कहता हूँ मेरी चाचू घर पर नहीं है, कब आएंगे पता नहीं। बाय आंटी। ओके बाय। यो बचा लिया ना। तुम स्कूल में करोगे तो फर्स्ट प्राइज पक्का है। ये ओवर एक्टिंग है, पहले जो की थी वो सुपर एक्टिंग थी। ये स्कूल में करोगे तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा। और तुम ये एक्टिंग जिंदगी में करोगे क्या? झूठ कहने के कई तरीके होते हैं लेकिन एक तुम हो और ये मामा जी है कि झूठ भी सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। क्या फैमिली है भाई, सबसे कहते हो कि झूठ मत बोलो रिश्वत मत लो और यहाँ खुलेआम तुम लोग एक दूसरे से रिश्वत ले रहे हो और रिश्वत दे रहे हो। क्यों मेरी वजह से इतना टेंशन लेते हो? ठीक है मैं ज्यादा बोलती हूँ लेकिन मैं मामा जी की तरह ज्यादा तो नहीं खाती। मैं तुम लोगों का वक्त बर्बाद करने नहीं आई। तुम रामेश्वरम जा रहे हो इसलिए मेरे भाई ने ये लेटर केवी जी को देने के लिए कहा है। केवी जी रामेश्वरम में है क्या? केवी जी का रामेश्वरम में खानदानी घर है। मैं खुद भी तुम्हारे साथ आने वाली थी लेकिन टिकट निकालने गई तो वेटिंग लिस्ट में लेता हूं ना। मेरी जिंदगी ही पूरी वेटिंग लिस्ट हो गई है। कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। कम से कम तुम तो कंफर्म करो ताकि मैं सेटल हो जाऊं। ओके चाची। चाची ओ स्वीट बॉय हेलो। हमारी शादी को 6 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या करना चाहिए आप ही बताइए। कुंडली के हिसाब से तुम लोगों की शादी उचित नहीं थी फिर भी तुम लोगों ने कैसे शादी किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो आपके पास सलाह लेने आए हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं। वो मिर्ची मलैया ने हमारा भविष्य देखा और कहा कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे पर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे मिर्ची मल्ला कितने दिनों से कुंडली देखते तुम्हें पता है? ज्यादा से ज्यादा 5 सालों से। उसका असली धंधा क्या है मैं बताता हूँ। मिर्ची की गोनी में गन्ना सप्लाई करता है। गन्ना का मतलब समझे बंदूक। सर लेना है तो लो नहीं तो यहाँ से चलते बनो। ये देखो मेरे पास जो मिर्ची है और तुम्हारी मिर्ची में बहुत फर्क है। नहीं नहीं दोनों एक ही है। दोनों एक ही है तो आप बहुत ज्यादा क्यों बोल रहे हो? वो मिर्ची मलिया तो बहुत कम भाव में बेचता है। तो फ्री में भी दे देगा। मुफ्त में? हाँ मैं तो मिर्ची का धंधा करता हूँ। वो तो मिर्ची के साथ साथ पता नहीं और क्या क्या धंधा करता है समझे।
लिए है क्या? नमस्ते भाई साहब। अरे कोयल की तरह बोलती है। मैं समझ गया, शादी कब होगी यही पूछने के लिए आई हो ना। इसके जाने के बाद तुम्हारा हाथ देखता हूँ। गुरु ये लड़की मुझे ढूंढती हुई यहाँ आई है, इसके साथ मेरा सेटलमेंट करा दो। क्या मैं तुम्हें भड़वा दिखा देता हूँ? तुम ज्यादा बोलोगे तो मिर्ची को गोली में भर दूंगा, समझ गए ना? समझ गया। ऑल क्लियर सर। समझ गया बेटी, फैमिली प्रॉब्लम है, कुंडली नहीं मिलती तो जिंदगी भी खराब हो जाती है। तुम जाओ। अभी भी मैं तैयार हूँ, इसका डाइवोर्स करा के मेरी शादी करा दो ना। कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? मिर्ची की बोरी में भरकर ट्रक पर लादकर दूसरी जगह भिजवा दो। तो तुमने क्या कहा था? मैं सब समझ गया। तो फिर चुप बैठो, अब बैठ जाओ। ये तुम्हारा पति है क्या? गुरु कुछ गड़बड़ है। एसीपी सिद्धार्थ राम हैदराबाद। पुलिस वालों का भविष्य देखना मैंने बंद कर दिया। कह रहे हो क्या? कुंडली दिखाना है क्या? मैं बताता हूँ, तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं। इसे? बिल्कुल नहीं। तो देखे बगैर ही कुंडली बना देते हो तुम? इन सब लोगों के साथ मेरा क्या लेना देना भाई, लेकिन तुम्हारा भविष्य बताने को मेरा दिल कर रहा है। तुम्हारी कुंडली अच्छी है, 7 जन्म पीछे की कुंडली जाकर देखता हूँ तो पहले जन्म में कुत्ता हुए थे, बाद में बैल, लोमड़ी, मुर्गी, ऊंट, मोर, आखिरी में कौवा। तुमने मेरे पिछले 7 जन्म के बारे में बता दिया, अब अगर तुमने हमें कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारे 7 दिनों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। पहला दिन तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, दूसरा दिन ससुराल में ले जाएंगे। ससुराल जाएंगे? नहीं, जेल में जाओगे। और तीसरे दिन नया कपड़ा मिलेगा ना। वो किस लिए? बदन का कपड़ा खून से लथपथ हो जाएगा। बाप रे, इतना मारोगे क्या? और चौथे दिन क्या करोगे? चिकन बिरयानी देंगे। अरे वाह, वो भी 3 दिन पहले का। और पांचवे दिन प्यार से बर्फ पे सुलाएंगे। बर्फ पर लाश को सुलाते हैं ना, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? भाई साहब को नया कपड़ा देंगे, सब सच बता देंगे। तुम्हारे भाई साहब को कहना होगा, अगर कुछ गलत निकला तो पहले ही दिन नया कपड़ा मिलेगा, सोच लो। सबका भविष्य बताने वाले जरा खुद का भविष्य भी देख लो। सच बोलने पे मारते क्यों? दूसरे का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? इन लोगों को कैसे पता चला? रवि, इस आदमी का पूरा रिकॉर्ड चेक करो। ओके? यस सर। जब देखो तब मुझे ही डांटते रहते हैं। अरे ये कैसे हो गया? शादी करने के चक्कर में मैं फंस गया, अब इसका क्या करूं? तुम उस पर नजर रखो। अरे सिद्धार्थ, कम कम। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? फाइन। ये लेटर सर। थैंक यू। अपनी जिंदगी में मैंने किसी के लिए इतना इंतजार नहीं किया। ये लेटर इतना जरूरी था सर? नहीं, मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो ये लेटर नहीं है, वो तुम हो मेरे दोस्त। आओ गले मिलो, बैठो। छोटू जी, सारे रिसीवर्स फोन से उठा के रख दो। जी। मैंने तो सोचा था सिर्फ दोस्त आया है, लेकिन ये दोस्त तो साथ में खुशियां भी लेकर आया है। वो क्या सर? तुमने मुझे जो पुरानी कैसेट दी थी उसके 10 लाख कॉपी बन रही है, श्रीकांत ने लिखा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रात को मछली पकाऊं क्या? रामेश्वरम की मछली ना बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं सर, थैंक यू सर, मुझे जाना है। अरे ये क्या, आज के दिन तुम्हें मेरे घर पर मेहमान बनकर रहना होगा। वो बात नहीं है सर, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। क्या अपनी प्रेमिका के लिए? प्यार के मामले में मैं भी आपकी तरह हूँ सर, चलता हूँ सर। अच्छा।
इस रिसीवर को भी किसी ने फोन से निकाला हुआ है। चलो मैं रख देता हूं। हेलो, फोन उठा लिया भाई साहब ने। फोन उठा लिया? किसी ने फोन नहीं उठाया। फोन रख। इतना मुश्किल से फोन लगा था, काट दिया। बड़ा भविष्य देखता है। सर, केवी जी। हाँ, क्या है मलया? ये क्या, जैसे वीरा स्वामी को समुद्र में फेंक दिया वैसे ही मुझे भी मारकर मिर्ची गोने में भरने का इरादा है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पूरे बदन में आग लगी हुई है। हुआ क्या है? हुआ क्या, ये मुझसे पूछ रहे हैं? वो एसीपी को मेरे पास भेजकर आग लगा दिया और आप उसके साथ यहाँ पर हंस हंसकर खुशियाँ मना रहे हैं। ये सब क्या नाटक लगा रखा? एसीपी कौन है? ओफो, अभी जो आकर गया है वो एसीपी सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ? एसीपी सिद्धार्थ? हाँ सर, एसीपी। हाँ सर, एसीपी। हाँ सर, एसीपी। मेरा प्रशंसक बनकर, मेरी पुरानी कैसेट मेरे हाथ में देकर, मेरी जिंदगी का असली रिकॉर्ड पता करने यहाँ पर आया था क्या? हाँ, और नहीं तो क्या? आपने क्या सोचा था कि आपके और मेरे बारे में पता करके बुक छपवा कर मार्केट में बेचेगा क्या? वो हम दोनों को अंदर करवा देगा, तब आप जेल में हारमोनियम पर रियाज करते रहना। मेरा क्या, मैंने तो पैसे के लिए तुमसे हाथ मिलाया था और फंस गया। देखो, 440 बोल्ड की तरह वो एसीपी हमारे बीच आया है। मुझे ये धंधा नहीं करना। आपको राम राम। मलया, ऐसे मुझ पर मत चिल्लाओ, जाकर उस पर चिल्लाओ। ए मिर्ची, क्या तुम समझते हो कि ये सब मैं पैसों के लिए करता हूँ? आओ, इस समाधि के पीछे एक कहानी है। मेरी मां हिंदू थी, पिताजी मुसलमान। मेरे घर पर रामनवमी मनाई जाती थी, ईद मनाया जाता था। मेरी माँ गानों का रियाज करती थी। मेरे पिताजी पटाखों के व्यापारी थे। इस रामेश्वरम में कुछ भी प्रोग्राम होता था तो मेरे पिताजी के पटाखों से ही शुरू होता था। बम बनाने में मेरे पिताजी को महारत हासिल थी। इसी का गलत फायदा उठाकर किसी ने उनके बगैर जाने रामेश्वरम के पड़ोस के गांव में चुपचाप बम रखवा दिया और बम ब्लास्ट में पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया। बम वहां पर किसने रखा था, उस असल अपराधी को पकड़ने के बजाय सरकार ने पटाखे बनाने वाले मेरे निर्दोष पिताजी को, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें बेवजह गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। बम तुमने वहां रखा था क्या? अल्लाह की कसम सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब मालूम है। मेरे पिताजी पाकिस्तान से आए हुए थे, मुस्लिम थे, इसलिए ये काम मेरे पिताजी ने किया है ये कहकर सबको यकीन दिलाया गया। जो गांव वाले उन्हें सम्मान देते थे, उन्हीं लोगों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा। ये मेरे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरे पिताजी टूट कर बिखर गए। जैसे श्री राम के शक को दूर करने के लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, वैसे गांव के लोगों को यकीन दिलाने के लिए मेरे माता पिता राख हो गए। दोनों ने अपनी जान दे दी। मलया,
जैसे मेरे माता पिता राख हुए ठीक वैसे ही मैं इस देश को राख कर देना चाहता हूं। मुझे मेरे माता पिता की मौत हर वक्त याद आनी चाहिए, इसलिए इस राख को माथे पर विभूति की तरह हर वक्त लगाता हूं। हिंदू हूं यह कहकर यकीन दिलाता हूं। पहली बार गुस्से में आकर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन अगर ये बाहर पता चला तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझ गए तुम? नहीं सर। सर आप मुझे छोड़ दीजिए, आप कहे तो मैं एसीपी को मार दूंगा। नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर को मारोगे तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट से दुश्मनी मोल लोगे। अपनी ओर से पुलिस का ध्यान हटाने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। इसका नाम बुलेट बादशाह है, मिर्ची मलैया की गैंग से इसका संबंध है। ये सब लोग आज विक्टोरिया पैलेस में मिलने वाले हैं, ऐसी खबर हमें मिली है। हाय अनु। डोंट मूव। गन। मैं गन नहीं दूंगी। अनु नहीं। एसीपी के आने तक कोई नहीं हिलेगा। एसीपी के आने का वक्त हो गया है, अर्जेंट हमें उनसे मिलना है, प्लीज गिव मी द गन। उससे भी अर्जेंट मुझे उनसे बात करनी है। अनु, 4 सालों से मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज गन दे दो ना। देखो इसे चलाने की ट्रेनिंग नहीं ली है। गन लोडेड है, पता नहीं किसे कहाँ लग जाए। ओह गॉड। अनु प्लीज। सर सर इसे समझाइए। ये क्या पागलपन है? और क्या, मैं फोन करती हूँ तो किसी और को पकड़ा देते हो, क्यों मुझे अवॉइड करते हो? आज एक बात साफ साफ बता दो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। रियली? प्रॉमिस? रबु पेपर पेन लेकर आओ, या भी सुसाइड नोट पर साइन करेगी। सर इन्हें पिस्टल चलाना नहीं आता, हम चलाएं क्या? हाँ ये अच्छा है। कैसी लड़की हो तुम, मेरा मजाक उड़ा रही हो। 4 साल हो गए, 5 साल में तो गवर्नमेंट भी बदल जाती है और तुम हो कि बदलने का नाम ही नहीं लेते हो। सॉरी अनु, मैं तो मजाक कर रही थी, दरअसल बात ये है हमारे सर तुम्हें बहुत चाहते हैं। मुझे पसंद करते हो तो रुला क्यों रहे हो? कौन किसको रुला रहा है? तुम और कौन? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब लेने दे मजा, दिल की बातें करने को तुझे पुकारा। साथी निभाना ये कहना है मेरा, दुनिया क्या कहेगी ना उसकी परवाह। ओ जाने दे सुन मेरी बात, ना लटका के जा। ओ दिल से ये कह दे ना झटका के जा। अंध के लिए क्या दिन क्या है रात, आजा रे जी भर के झूमेंगे आसार। तेरी आवाजों का नहीं कोई बात, लगा के ना जा रे आरा, अब लेने दे मजा, दिल की बातें करने को तुझे पुकारा। तू मेरे मितवा, मैं कहूँ क्या मैं देखूँ क्या क्यों करना इशारा। ओ चले मेरी जा, ना देर करा जा, ये जवानी ने लिया उड़ाई देखे दुनिया। परवाने बन के हम जलने चले, दूर से पास आए हैं होले होले। मुझे लेने आजा और देर न कर राजा, अरे सबर का फल मीठा, प्यार भी ना सब झूठा। नजर ना हटा तू आँखों से मेरे, करूँ क्या बताऊँ सच ना मेरे। नच ले छम्मा छम मान जाना रे, हाथों में तेरे हाथ लेकर जाना रे। नच ले यारा ये कहना
चल बागो में चले आहिले डोले नखरे भरे कदम उठा के अब तू ना और सता राजा मुझे मन में जो जोत जले वो ना बुझे ए ना हो जाए धोखा तू तड़पा के ना जा ना चिंता तू कर राजा दुनिया बैंड बाजा होगा अब धूम धाम होगा मिलन रे ये होगा जरूर होगा कुछ भी तो कर ले प्यार के रंग से तो भर दिया गिरे बेचारा ना बनो और अपना बना ले नाच रे आ रहा तू लेने दे मजा दिल की बातें कहने को तुझे पुकारा साथ निभाना ये कहना है मेरा दुनिया क्या कहेगी ना उसकी परवाह तेजा तेजा तुम ठीक हो ना आज पेरेंट्स का सेलिब्रेशन है आप नहीं आएंगे क्या चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए आज ही है तुम्हारा फंक्शन आज तो मुझे जरूरी काम है सॉरी अगर मेरी डायरी होती तो वो जरूर आते ना चार दिनों में तमिलनाडु के लिए हथियार आने वाले हैं मिर्ची मलैया के पास ट्रक भेजना होगा परमिट निकाला क्या परमिट तैयार है अभी आता हूं ठीक है ए कौन है वहां लाइट किसने बंद करी इडियट मोबाइल बंद कर ए वंदे मातरम बंद करने के लिए कहते हो तुम कैसे इंडियन हो देशद्रोही देशभक्ति का टाइम नहीं है तुमने उसे बंद नहीं किया तो लोग हमारा जनगण मन कर देंगे से तुम्हारे क्या संबंध है वो कौन है मुझे पता नहीं तो वहां क्या कर रहे थे ट्रक भाड़े पे लेने की बात कर रहा था क्या तुम सच नहीं बताना चाहते मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम है करीम सर इसे कुछ नहीं मालूम गोली मार दो इसे कहना एनकाउंटर में मारा गया तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश मटन बिरयानी तंदूरी चिकन कबाब दारू कुछ भी चाहिए तो बोल देना करीम जो मांगे दे देना उसके बारे में तुमने सुना ही होगा एसआई वीरभद्र उसके ही एनकाउंटर में मारा गया था सोच लो शायद इसके भी नसीब में वही लिखा है बोलो क्या खाओगे बोलो रवि अनु का फोन है कहना बिजी हूं बाद में फोन करूंगा ओके सर थैंक्स हेलो अनु सर अभी बिजी है कुछ मैसेज है तो कहो सर इसे जिंदगी से मोहब्बत नहीं है इसका क्या करेंगे जब उसे जान प्यारी नहीं है तो गोली मार दो सर कान से 2 इंच दूर मारना क्या हो गया मैंने तभी उसे मार डालने को कहा था ऐसे भी मेरा दोस्त था कहकर आप ही ने रोका था नतीजा ये हुआ कि विक्टोरिया पैलेस में रेड डालकर अपने हथियारों को सील कर दिया और अपना बुलेट बादशाह भी वहां फंस गया अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो बादशाह मुंह नहीं खोलेगा
आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ। सर डीजीपी लाइन पर है। सर हाँ सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो? सर यहाँ बुलेट बादशाह के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वो सब बाद में करना, आज पेरेंट्स डे है, मैं चीफ गेस्ट हूँ, तुम्हारे भाई का लड़का पार्टिसिपेट करने वाला है, पूछताछ छोड़ो तुम भी यहाँ आ जाओ। लेकिन सर ये मुंह खोलने ही वाला है सर। वो क्या बोलेगा, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो लेकर हम पूरे शहर में घूमेंगे। देखो हमें परिवार के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, तुम यहाँ तुरंत आ जाओ। अभी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले सारे बच्चे स्टेज पर आ जाए। कर रहे हैं वो है टैलेंट कंपटीशन। इस कंपटीशन में एक एक स्टूडेंट को एक मिनट का समय मिलेगा, एक एक छात्र जाकर उन पर्चियों में से एक पर्ची निकालकर उसमें जो लिखा होगा उसे वही करना होगा। मास्टर दीपक, थर्ड स्टैंडर्ड। भगवान भगवान भगवान, टेक इट। पूजा, मेरी माँ रोज पूजा करती है, आप सबको पता है वो क्यों रोज पूजा करती है? उनको बहुत सारा धन दौलत मिले इसलिए। पूजा, जब मम्मी घर पर नहीं होती तो बाजू वाली पूजा आंटी से डैडी बातें करते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी पूजा है, वो हमेशा मेरे जेब से चॉकलेट चुराती रहती है, उसके डैडी पुलिस में है, वो बैठे। बस थैंक यू। नेक्स्ट मास्टर तेजा, फिफ्थ स्टैंडर्ड। पिताजी, पिताजी, तेजा, come on, पिताजी, I'm sorry, तेजा। पिताजी, प्यार बांटने वाले पिताजी हैं, तुम्हारे आंसुओं को अपना समझने वाले पिताजी हैं, तुम्हारी खुशियों को अपनी खुशी समझने वाले पिताजी, तुम्हारे भविष्य को अपना भविष्य समझने वाले पिताजी हैं, तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझने वाले पिताजी हैं, तुम्हारी दुनिया प्यार बांटने वाले मेरे पिताजी, मेरे आंसू को अपना आंसू समझने वाले पिताजी, मेरी खुशियों को अपनी खुशी समझने वाले मेरे पिताजी, मेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझने वाले मेरे पिताजी, I love you चाचू, तुम ही मेरे पिता, I love you। तुमने बहुत अच्छा बोला। Come here. Well done, well done. Very good. Thank you. दुर्गा प्रसाद जी को स्टेज पर आने के लिए निवेदन करते हैं। हॉस्पिटल लेके चलो। जी
नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। पिताजी करवाया सर। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? डॉक्टर कहते हैं फिलहाल खतरे से सर, बाहर प्लीज कम सर। नहीं सिद्धार्थ, उन्हें आराम करने दो। आइए मेरे साथ। आइए सर। माँ, पिताजी का ध्यान रखना। उन्हें ये दौरा क्यों पड़ता है? पेपर में जब भी ये न्यूज देखते हैं, देखते ही उन्हें टेंशन होने लगता सर, है। वन मिनट करीम, प्लीज प्लीज। और उसके हेलो सर, हमने विक्टोरिया पैलेस पर रेड डालकर जो अस्त्र पकड़े थे वो गुम गए। क्या गुम गया? हाँ सर, लेकिन एक सुराग मिल गया है। क्या सुराग मिला? हम लोग जब गोदाम में गए तो वहाँ पर पीडी लिखा हुआ रुमाल मिला, जिसे आइडेंटिफाई करना है। क्या लिखा है? पीडी सर। करीम होल्ड द लाइन। यस सर। कई सालों से ऐसा ही होता चला रहा है। जब से आतंकवादियों ने उन्हें मार कर फेंक दिया था, तब से वो ऐसे। सर वन मिनट सर। हाँ माफ कीजिए सर, हमने विक्टोरिया पैलेस से जो सामान जब्त किया था वो गोदाम से चोरी हो गया है। ये क्या सिद्धार्थ, इतने सारे गार्ड्स होने के बावजूद अस्त्र कैसे चोरी? तो समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद जाके देखता हूँ सर। नो 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 नो, वो सब मैं बाद में देख लूंगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर फादर। ओके ओके सर। करीम सर, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ओके सर। क्या हो रहा है? ड्यूटी कर रहे हो या सो रहे हो? जिम्मेदारी समझते हो या नहीं? अगर ये अस्त्र आतंकवादियों के हाथ लग गए तो, अगर गृह मंत्री मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे इस समाज के लिए कुछ जिम्मेदार क्या है? अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो लोगों का भरोसा हम पर से उठ जाएगा। तुम लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते, ये कोई तरीका है? इतने सारे गार्ड्स हैं, उसके बावजूद कैसे चोरी हो गए? कोई जवाब है इसका? नहीं। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आगे से हर आदमी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से करेगा जिसके लिए तुम्हें रखा गया है। आई बात समझ में? सबको प्रॉब्लम है क्या? करीम इसे चेकअप कराओ। पनिशमेंट शट अप, पनिशमेंट। इसे यहाँ से लेकर जाओ, सुना नहीं? इसे लेकर जाओ। हाँ सर, सच में इसे कोई प्रॉब्लम है, चेक करवाता हूँ। सर आपका सोचना बिल्कुल सही था, लेकिन डीजीपी पे क्यों शक किया? इंट्रोग्रेशन के समय जब बुलेट बादशाह सच बोलने वाला था, उसी समय डीजीपी का फोन आया था। उनका नाम सुनते ही बादशाह हंस पड़ा था, तब पहली बार शक हुआ था। डीजीपी ने पूछताछ छोड़कर जब मुझे फंक्शन में आने के लिए कहा, तब दूसरी बार शक हुआ। फंक्शन में मेरे पिताजी को चक्कर आए, वो गिर गए। अस्पताल में भी पिताजी डीजीपी को देखकर टेंशन में आ गए। मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी ने डीजीपी को पहली बार नहीं देखा था। करीम व्हाट यू थिंक? डीजीपी और आपके पिताजी के बीच कुछ तो हुआ ही होगा। मे भी कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। वन मोर आई नीड वन मोर कंफर्मेशन। Ooh.
सोच रहे हैं पिताजी, लिखकर बताइए। लिखिए पिताजी, कोशिश कीजिए। भैया की मौत के पीछे डीजीपी का ही हाथ है ना? हुआ भाभी? सिद्धू देशा को किडनैप कर लिया गया है। किसने बताया? डीजीपी ने। डीजीपी कहाँ है? नीचे है। सिद्धार्थ, मुझे मैसेज मिला है, हमने जो बादशाह को गिरफ्तार किया है उसे छोड़ेंगे तो वो तेजा को छोड़ेंगे। हम बादशाह को कैसे छोड़ सकते हैं सर? क्या कह रहे हो तुम? अपने तेजा से ज्यादा तुम्हें बादशाह प्यारा है? बिल्कुल सही सिद्धार्थ, हम बुलेट बादशाह को आज नहीं तो कल फिर पकड़ सकते हैं। हम नहीं मानेंगे तो वो लोग बच्चे की जान ले लेंगे। सर, हम लोग एक जान की चिंता करेंगे तो वो लोग 10 लाख जाने लेंगे। सिद्धू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जो मेरा बेटा मर गया उसे नहीं ला सके, कम से कम इसे तो वापस लाओ। आप रुके सिद्धार्थ, तुमसे बड़ा ऑफिसर होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ, बादशाह को उन लोगों को सौंप कर बच्चे को छुड़ा कर लाओ, समझ गए? सुनो सिद्धू, एमएमएस आया है, देखो। सर, हम लोग तैयार हैं। जरूरी है, करना ही होगा। ओके सर। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 1, 2 और 3 कह के जाने के लिए कहूंगा, मेरी तीसरी उंगली दिखाते ही शूट कर देना, ठीक है? वो लोग अब आ रहे हैं, तुम छुप जाओ। रेडी? ए तेजा, ये क्या कर रहे हो? अरे ये नकली बंदूक नहीं है, ये सही में गोली निकल आएगी। अरे तेजा क्या कर रहे हो? लग जाएगी। चाहिए तुम लोगों को, ये नहीं करना चाहिए था।
मैंने जो कहा था वो तुमने नहीं किया। देखा तुम्हारी वजह से कितनी जाने चली गई। ये क्या सर, ये सब लोग डेथ वारंट वाले क्रिमिनल हैं। उनके मरने से हमें खुश होना चाहिए। शट अप। आज उन लोगों ने एसीपी के भाई की लड़की को किडनैप किया है। हमने इतने सारे लोगों को मारा, अगर कोई मंत्री या उसका बेटा किडनैप हो जाए तो विल यू बी रिस्पॉन्सिबल? ओके, फ्यूचर में विदाउट माई नोटिस विदाउट माई ऑर्डर डोंट डू एनीथिंग। जाओ यहां से। यस सर। एनी इंफॉर्मेशन? डीजीपी दुर्गा प्रसाद एक नंबर पर दिन में कम से कम 10 बार फोन करता है। ये फोन नंबर तमिलनाडु के रामेश्वरम से है। सर, 2 दिन के बाद एक बड़ा कंसाइनमेंट रामेश्वरम आने वाला है, हमें ऐसा पता चला है। अपना फोन दो सर। नंबर बोलो। 04573221277। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? नौकर हो क्या? जी हाँ सर। साहब है वहाँ? एक मिनट सर, देखता हूँ सर। केवी साहब संगीत की रियाज में बैठे हैं, कोई अर्जेंट मैसेज है तो बोलिए, मैं उनको कह दूंगा। हेलो, हैं? पता नहीं किसका फोन है। हम लोग जिनका सामना करने वाले हैं वो मामूली लोग नहीं है सर, वो देश के इज्जतदार कलाकार है। ऐसे में उसे स्टेट की पुलिस से भी हमें मदद लेनी ही पड़ेगी। हमें तमिलनाडु में रामेश्वरम जाना होगा। उस राज्य से हमें हेल्प मिलेगी या नहीं पता नहीं। एक शिप भरकर हथियार ला रहे हैं तो वो लोग पूरी तैयारी से होंगे सर। सर, यह ऑपरेशन सफल होने पर हम सरकार को पूरी तरह विश्वास दिला पाएंगे। हम यहाँ 6 लोग हैं। ये वही हालात हैं जैसे क्यूबा जैसा छोटा देश जाकर अमेरिका से लड़ने लगे। हमारी जीत होगी या नहीं पता नहीं दोस्तों, यहाँ पर हार की संभावना ही सबसे ज्यादा है। फिर भी जीतने की एक छोटी सी उम्मीद तो है ही। कितने लोग जिंदा लौटकर वापस आ पाएंगे पता नहीं। मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं दोस्तों, आना चाहो तो आओ, नहीं तो मत आओ, तुम्हारी मर्जी। सौरभ रोकना मत। को संभालने का बोझ मुझ पर मत डालो। Oh
भवानी सौरभ ऊपर जाओ। यस सर। भवानी सर, तमिलनाडु पुलिस को इन्फॉर्म किया? ओके सर। आते ही मुझे बताना। ओके सर। रवि 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 उस आदमी को लेकर आओ। यस सर। रवि कवर करो। ओके सर। रवि संभाल के। फायरिंग रोको, 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 फायरिंग रोको। मिस्टर केवी, तुम्हें मिर्ची मलैया और डीजीपी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सब लोग सरेंडर कर दो। सिद्धार्थ, ये तुम क्या कह रहे हो? गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत है रवि, ये फुल्ला राव मिर्ची मलैया का आदमी। क्या कहा? फुल्ला राव? मैं नहीं जानता। मिर्ची मलैया यहाँ का बहुत बड़ा आदमी है, तुम इन पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते हो। बड़ा आदमी है या बुरा आदमी ये मुझे नहीं मालूम, ये यहाँ क्यों आया है वो भी नहीं मालूम। मिस्टर दुर्गा प्रसाद, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम जब वाइजेक में थे आतंकवादियों से तुम्हारे संबंधों को भी जानता हूँ। तुम्हारे सपोर्ट से तमिलनाडु से मिर्ची मलैया के घर से आंध्र प्रदेश में आने वाले वेपन्स और केवी से तुम्हारे संबंध भी जानता हूँ। तुम एक बात बोल रहे हो, तुम एक मामूली एसीपी हो। मैं आंध्र प्रदेश का पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ हूँ, तमिलनाडु सरकार को बता के डीजीपी के हक से आया हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर, ये लोग ऐसे बातें करके टाइम खराब करेंगे। फोर्स आने से पहले इनका कुछ करना ही होगा। मिर्ची मलैया और डीजीपी को अरेस्ट कर सकते हैं, पर केवी को गिरफ्तार करने के लिए सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो क्या हुआ, इन सब का एनकाउंटर कर देंगे। इनका एनकाउंटर करके शहीद मत बनाओ। सर, फोर्स आ रही है। अपनी गन दो, अपनी गन दो। सिद्धार्थ, आखिरी बार कह रहा हूं, कानून की नजरों में तुम गलत कर रहे हो। कानून को बाजू में रखो, कानून की बात करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। सर, सर्विस के दौरान की गई तुम्हारी गलतियां सुधारने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस केवी की मैं और मेरा देश बहुत इज्जत करते थे, सम्मान देते थे, इसके बदले में इसने हमें धोखा दिया है। तुम्हें जीना है तो इसे मार डालो। ये काम भी तुम ही करो। कानून ने पुलिस वालों को मारने का हक नहीं दिया। लेकिन केवी को मारने के बाद मुझे छोड़ दोगे, इस बात की क्या गारंटी है? डीजीपी, ये क्या कह रहे हो? अपना फर्ज निभाने का तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मार डालो। सर, फोर्स आ रही है, जल्दी करो। दुर्गा प्रसाद, फोर्स पहुंचने वाली है, अगर फोर्स आ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लो बंदूक। ए डीजीपी, पागल हो गए हो क्या? तुम मरोगे तो दूसरा आएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा खाकर मुझे ही मरोगे? तुम जैसे गद्दार को जीने का कोई हक नहीं है। मलैया, खत्म कर दो इसे। मिर्ची मलैया, ये इनका आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ए, अपना टाइम अच्छा है, इनका टाइम खराब है। हथियार नीचे करो। सिद्धार्थ, ये मिर्ची मलैया और उसके गैंग ने तुम्हें कितनी बार मारना चाहा तो सिर्फ मैंने उन्हें रोका। अभी इसे सरकारी गवाह बनाकर मुझे मारने के लिए कह रहे हो? देखो सिद्धार्थ, ये सही नहीं है। क्या खेल खेला सिद्धार्थ, मीठी मीठी बातें करके आखिर तुमने मुझे फंसा ही दिया। हाँ, मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पिस्टल दे दिया। सिद्धार्थ, असल मुजरिम तो तुम हो।
मैंने एक गन दी तो मुझे मुजरिम कहते हो? तुमने हजारों गन सप्लाई करके कितनों को मुजरिम बना दिया है? किसी ने गलती की, उसके बदले में तुम्हारे माता पिता ने आत्महत्या कर ली। वो गलती करने वाला हिंदू था, इसलिए तुम हिंदू जाति को बर्बाद कर देना चाहते हो, देश को बर्बाद करना चाहते हो। ये मेरे अकेले के साथ हुआ अन्याय नहीं है, इस देश के अनगिनत मुसलमानों के साथ हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। कहाँ हुआ अन्याय? आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गुंटूर, नेहरूल, हड़प, कर्नल, चित्तौर और अनंतपुर, जहाँ चाहे देख लो तुम, हर जगह मुसलमानों को अपने सगों की तरह साथ देकर संभालने वाले लोग तुम्हें हिंदू ही मिलेंगे। एक आंध्रा ही नहीं, पूरे देश में ऐसे लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ मूर्ख लोग ही हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा करवाते हैं। हिंदुओं के लिए तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा भरा है और यही हिंदू तुम्हें कितनी इज्जत देते हैं। मुस्लिम लड़की होने के बावजूद टेनिस कप जीतने के लिए पूरा देश मन्नत मांगता है। 3 बार इस देश का अध्यक्ष मुसलमान रहा है। इस देश के राष्ट्रीय झंडे में नारंगी रंग हिंदुओं के लिए, सफेद रंग क्रिश्चियन के लिए, हरा रंग मुसलमानों के लिए होता है। हमने इस तरह का झंडा बनाया, समझे कि नहीं तो हम रहती है, और तुमने शबनम को भी बदनाम कर दिया है। तुम जानते क्या हो, मुसलमानों को इस देश से जब निकाला गया था, उन जख्मों को हम अब तक नहीं भुला पाए हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले, इसलिए हमने ये बंदूक उठाई अपने कौम के खातिर। क्या बात कर रहे हो, इस देश के जब 2 हिस्से हुए थे तो यहाँ किसी ने खुशियां नहीं मनाई थी। जो घटना गुजरी उसे भूलने की कोशिश की, पर तुम्हारी तरह अपने जख्मों को बार बार कुरेद कर उसमें नमक नहीं डाला। तुम्हारी गन से निकलने वाली गोली जात धर्म देखकर किसी की जान नहीं लेती, उन्हीं गोलियों से मुसलमान लोग भी मर रहे हैं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से देशभक्त मुसलमानों को भी सर झुकाना पड़ता है। तुम जैसे लोग मिर्ची मलैया जैसे देशद्रोहियों का साथ देकर इस देश में आतंकवादियों की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। मिस्टर कादर वली, हम दोनों के साथ एक ही अन्याय हुआ है, पर मैं तुम्हारी तरह आतंकवादी नहीं बना, पुलिस बनकर तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। करीम सर, गिरफ्तार कर लो। सबका खून लाल होने पर उसका ग्रुप एक नहीं होता, जुबान एक होने से बोली एक नहीं होती, दिल एक होने से सोच एक नहीं होती। मेरे माता पिता की आत्मा की शांति के लिए ये जंग मैंने शुरू की थी, ये नहीं रुकना चाहिए। फिर से जन्म लूंगा, दोबारा वापस आऊंगा, ये जंग जारी रहेगी। भारतीय संगीत को पहचान दिलाने वाले केवी यानी कादर वली ने रामेश्वरम में आत्महत्या कर ली है। उनकी मौत की खबर से उनके देश भर के सारे प्रशंसक शोक मना रहे हैं और आगे सुनते हैं। इतने बड़े कलाकार देशद्रोही हो सकते हैं, यकीन नहीं होता। कलाकार भी इंसान ही होते हैं, इंसानों में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं। सर, शहर के बाहर बस को लूटा है, 20 लोग मारे गए हैं। इस बार लुटेरों ने नए अस्त्रों का इस्तेमाल किया है, हमें जल्दी ही जाना होगा। लेट्स गो सर। अच्छा होता कि मैं तुम्हारे पिस्टल होती, कम से कम तुम्हारे साथ रहने का मौका मिलता।